हाथरस हादसे के बाद अब भोले बाबा खुलकर सामने आया और बोला, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की मदद हमारी कमेटी जरूर करेगी। आपको बता दें, ये बयान हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। शुक्रवार देर रात हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, देव प्रकाश हार्ट अटैक का मरीज है, तबीयत ठीक नहीं थी। यूपी पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पोस्ट किया है और लिखा है, देश में गरीबों दलितों को अपनी गरीबी और दुख दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के बहकावे में आकर अपना दुख और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता अपने हाथों में लेकर तकदीर बदलनी होगी। अब सुनिए बाबा के वकील ने एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा कहना। इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए, कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में वादा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। इस हादसे को लेकर 3 लेवल पर जांच हो रही है। एसडीएम रविंद्र कुमार ने 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी थी। वहीं योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया है उसे देने में लापरवाही न हो, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों को न्याय मिले। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा के वकील एपी सिंह गुरुवार को अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ हादसा है जो अराजक तत्वों के कारण हुआ है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। भोले बाबा कहीं भागे नहीं हैं, वे यूपी में ही हैं। जब भी जांच टीम उनको जरूरत होगी उनको बुलाएगी, वो जरूर आएंगे। एपी सिंह ने कहा कि बाबा के पास कोई आश्रम नहीं है, वे किसी से चंदा नहीं लेते, न ही चढ़ावा स्वीकार करते हैं। पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद उन्हें जो पेंशन मिलती है उसी से गुजारा करते हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद भोले बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है। इसके बाद वे गुरुवार को घायलों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे थे। आपको बता दें कि न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस जाएगी, अधिकारियों से बातचीत करेगी, घटना स्थल का निरीक्षण भी करेगी, स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी लेगी और रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इस मामले में और सामने आता है, क्योंकि हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आ गए हैं और उन्होंने बयान भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।